हैजहैब का जो वीडियो है हमने ऑलरेडी बना दिया है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम हैड का प्रयोग समझेंगे। हैड का प्रयोग बहुत ही आसान है, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप खुद से देख लीजिए, हैड जो है सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है, जितना भी सब्जेक्ट, आई वी यू ही सी इट दे द बॉयज नेम, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ ही हैड का प्रयोग होता है, इसीलिए हैड का प्रयोग आसान है। हम आपके लिए एग्जांपल भी ले लिए हैं। मुझे एक घोड़ा था, हम लोगों को एक कार थी, तुम्हें एक साइकिल थी, उसे बुखार था। अब इन चार एग्जांपल को हम जानेंगे और उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस जानेंगे और इतना जानने के बाद प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो ख़त्म। जैसे कि देखिए, मुझे एक कार थी, अब इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे तो मुझे के लिए आई देंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो हैड का ही प्रयोग, तो आई हैड, एक घोड़ा था तो आई हैड ए हॉर्स, आसान था ना। अब देखिए, हम लोगों को एक कार थी, हम लोगों के लिए वी का प्रयोग करेंगे, वी कोई भी सब्जेक्ट हो हैड का प्रयोग, वी हैड एक कार थी तो एक कार, क्लियर। तुम्हें एक साइकिल थी तो तुम्हें, तुम्हें के लिए यू हैड का प्रयोग, यू हैड ए साइकिल या बाइसाइकिल दोनों दे सकते हैं साइकिल के लिए। बी आई सी वाई सी एल, उसे बुखार था। अब यहाँ पर देखिए, उसे बुखार था, अगर यहाँ पर ब्रैकेट में दे दे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग के लिए सी हैड लगाएंगे और पुल्लिंग दे दिया जाए तो ही हैड, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है वैसे, हम चलिए पुल्लिंग ले लेते हैं तो उसे ही, अगर स्त्रीलिंग दे दे तो सी ले लेंगे, सब्जेक्ट स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के अनुसार होगा, तो ही हैड फीवर। तो आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार से हमने सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग कर लिया। अब इसी में जब निगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, बिल्कुल आसान है, आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए। देखिए, निगेटिव सेंटेंस आप बिल्कुल समझ जाइएगा। निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले। निगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या करते हैं, प्लस नॉट कर देते हैं बस। अब एग्जांपल जैसे कि लेते हैं, देखिए राम के पास, एग्जांपल खुद से ले लेते हैं, चलिए राम के पास, राम के पास एक कलम थी, राम के पास एक कलम थी। अब यहाँ पर देखिए, इस निगेटिव सेंटेंस लेना है तो राम के पास एक कलम नहीं थी, नहीं थी। अब हमने निगेटिव सेंटेंस लिया है तो देखिए, राम है तो नाम किसी का है तो नाम लिख देते हैं राम, कोई भी सब्जेक्ट हो हैड, राम हैड, नोट नेगेटिव है ना तो नोट लगेगा हैड के बाद, राम हैड नोट ए कलम है तो पेन, बस उसी प्रकार से। मान लीजिए अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस रहे, तुम्हारे पास घर नहीं था, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तुम्हारे पास घर नहीं था। अब यहाँ पर देखिए, तुम्हारे का यू, यू के साथ भी हैड, नहीं है तो नोट, यू हैड नोट, घर नहीं था तो ए हाउस। तो इस वीडियो में आपने देखा, बहुत ही कम समय में आपने हैड का प्रयोग समझ लिया। इसी प्रकार का अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, नहीं सीखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।